आलिया भट्ट। इसके लिए मैं थोड़े जुगाड़ किए हैं, वो सबसे पहला जुगाड़ है बता दूं, ये है ब्लाउज जो की काफी हद तक आउटफिट से मैच कर रहा है कलर, बट उसमें पर्ल का काम था। ये मैंने खुद अपने हाथों से बैठ के बड़े पर्ल्स एंड पतले वाले पर्ल्स को किया, बट मुझे लगता है यहाँ दो तीन पर्ल कम रह गए, यहाँ वाला ज्यादा सही से बैठ गए। आई हैव द आउटफिट वेरी वेरी सिमिलर। और उसके बाद ज्वेलरी का मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया, दो चौकर्स को मैंने अटैच किया है। हेयर के लिए आई विल यूज माय हेयर एक्सटेंशंस। सो ओवरऑल ये लुक कैसा टर्न आउट हुआ है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि आई लव टू डू यू नो इंस्पायर्ड लुक्स या फिर रिक्रिएशंस, मुझे करना बहुत पसंद है। और आलिया भट्ट का तो मैंने वेडिंग डे लुक भी किया था जो आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जरूर जाके देख लेना आलिया भट्ट वेडिंग डे लुक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही मुझे बहुत लूज है इसलिए मैं इसे बार बार फिक्स करती रहूंगी इन बिटवीन। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। स्किन प्रेप मैंने ऑलरेडी करी हुई है, बट यहाँ पे मैं ये मामा अर्थ की लूमी क्रीम लगा रही हूँ जो कि पिंक ग्लो देती है। एंड यहाँ पे ना हम फाउंडेशन स्किप करेंगे आज के लुक के लिए, बहुत ही नेचुरल होता है आजकल सेलिब्रिटीज का लुक, बहुत इजी है ट्रस्ट मी, बस सारा खेल है इसमें ज्वेलरी हेयर स्टाइल एंड आउटफिट का। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी हीरो गर्ल इनविजिबल पोर्स, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरे पोर्स दिखाई दे, तो बहुत ही थोड़ा सा हम पोर्स पे लगाएंगे, हल्का सा कॉम्पैक्ट है ना इसे सेट कर लेंगे, बहुत ही ब्लरिंग इफेक्ट आ जाता है इससे बहुत लाइट हैंड से। सबसे पहले यहाँ पे आज मैं बेस करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज की आई बहुत ही सिंपल है आई मेकअप, फाउंडेशन मैंने कहा था मैं स्किप करूंगी, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये स्मैश बॉक्स का हेलो हेल्दी ग्लो ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइजर। उसमें हम थोड़ा सा ये लूमी क्रीम मिलाएंगे, बट उससे पहले मैं अप्लाई करूंगी मेरा हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर, आई मीन द शेड मीडियम 4 जो कि शार्लेट का है। दिस लुक इज ऑल अबाउट ग्लोइंग स्किन। By the way, ये एक्सपेंसिव है, इसमें मिनी साइज भाई आप ले सकते हो, बट अगर आपको मिनी साइज नहीं लेना तो आप एल्फ के लो वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि काफी सस्ता है। मैंने ना मामाअर्थ की डेली लूमी क्रीम को गले पे भी लगा लिया, मुझे ये बॉडी भी एक्सपोज है तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लो करे। बूम, यस ओके। सो ये है छोटा सा साइज, मैंने स्मॉल साइज लिया था, द शेड इज परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन, और उसमें हल्का सा वैसे काफी ऑलरेडी बहुत ये खत्म ही हो चुका है एज यू कैन सी। लूमी क्रीम मैंने इतना यूज़ किया, ये मामाअर्थ का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अगर मैं बोलूँ तो, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप इसे नायका से बाय कर सकते हो अगर अच्छा ऑफ चल रहा है, अदरवाइज ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो इस लूमी क्रीम के लिए, यू कैन यूज़ शायद 2023 टू गेट 20% ऑफ। जी हाँ, उस पर फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, मामाअर्थ की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हो। और पहले मैं इस क्रीम को अच्छे से अपनी स्किन में से पुश करूँगी, ग्लो एक हल्का सा कवरेज, और जो मुझे चाहिए वो देगा ये। अब मुझे चाहिए एक फुल कवरेज कंसीलर टू कंसील माय डार्क सर्कल्स बहुत सब कुछ, तो उसके लिए फॉरएवर 52 से बेस्ट कुछ नहीं है। एंड ये थोड़ा सा मुझे डार्क लगता है, इसलिए मैं पहले से अच्छे से कंसील कर लूंगी जहाँ जहाँ मुझे चाहिए आईलिड पे भी। इसके बाद हम हाईलाइटिंग कंसीलर यूज करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसील एवरीथिंग, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंस्टेंटली वी सी एंड इट इज क्वाइट हाइलाइटिंग गाइस, आई लाइक दिस वन। हाइलाइटिंग कंसीलर इज स्विस ब्यूटी, क्योंकि बहुत अल्ट्रा अफोर्डेबल है और बहुत ही सही लगता है मेरी स्किन पे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, टू मच हाईलाइट नहीं करना, स्किन स्किन की तरह लगनी चाहिए, इसलिए सिर्फ मैंने डार्क सर्कल्स या हो सकते हैं, वैसे मुझे डार्क सर्कल से ज्यादा मेरी आई संकन है, मतलब अंदर की तरफ है तो एक शेडो क्रिएट होती है, जब भी कोई चीज आप देखोगे अगर वहाँ पे शेडो ज्यादा पड़ रही है और वो डीप सेट है उधर लगता है ऐसा कि यू नो डार्कनेस है, तो उस तरीके की आईज है मेरी, इस वजह से ऐसा लगता है इफेक्ट, बट ओवरऑल कभी कभी डार्क सर्कल्स होते हैं मुझे जल्दी नहीं होते। आई एम डन, गेस व्हाट, आई हैव द क्यूटेस्ट कॉम्पैक्ट शार्लेट का ये एयरब्रश फ्लॉलेस फिनिश, मुझे बहुत ही क्यूट साइज में मिला था, यानी कि 1 ग्राम और 2 ग्राम है, शायद से भी कम होगा। एंड दिस आर लुक्स, इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही छोटू सा है, मतलब पता भी नहीं चलेगा इतना छोटा है, एंड ये मुझे मिला था फ्री गिफ्ट, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे छोटे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करूँ ना करूँ बट रखने में बहुत अच्छा लगता है, ये यूज में भी आता है, इसी से मैं अपनी आईज को सेट कर रही हूँ। इसमें मेरे पास बड़ा भी है, इसे यूजुअली मैं इसे ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा प्रेफर करती हूँ, तो ये बहुत ही सही है सेट करने के लिए, बट इसके लिए आपको अलग से स्पॉन्ज या फिर ब्रश चाहिए ही चाहिए, कोई छोटा ब्रश। नाउ अब हम करते हैं आई मेकअप, तो सबसे पहले ब्राउज करूँ क्या, ले आई मेकअप ही करते हैं।
आई शैडो पैलेट यहाँ पे यूज करूंगी मैं नायका आईज ऑन मी 10-1 आई शैडो पैलेट, क्योंकि इसके अंदर 10 बहुत सुंदर न्यूट्रल वार्म शेड्स हैं। सबसे पहले हम लेंगे बहुत ही लाइट कलर। पिक्चर्स में ना मुझे सच में आई मेकअप कुछ समझ नहीं आता, बट बस अंदाजन ही मैं आई मेकअप करती हूँ। लाइट कलर को पूरी आईज पे वर्क किया और हो गया। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पिंक कलर भी है, तो मैं एक पिंक ब्लश ले रही हूँ। दिस इज डियोर का रोजी ग्लो रोजवुड ब्लश, काफी सुंदर ब्लश है। एंड आई गॉट इट फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज टचवुड कॉस्मो, और वहाँ पे आपको बहुत ही सही इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाते हैं यार, ट्रस्ट मी। एंड इट्स अ ऑथेंटिक पेज, आपको जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स चाहिए मेकअप ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के, यू कैन गेट देयर। डेफिनेटली उनका पेज जरूर चेकआउट करना, एंड बहुत ही सही प्राइस पे, क्योंकि अगर जब आप इंटरनेशनल ब्रांड्स बाय करते हो ना तो अक्सर आपको एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे बड़े सही प्राइजेस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का पिंक इस साइड और इस साइड अप्लाई किया है, देन टेकिंग अ स्मॉल ब्रश एंड टेकिंग दिस ब्राउन शेड, जो कि हम अपने हल्के हल्के से लैश लाइन के क्लोज को अप्लाई करके इसे ब्लेंड कर देंगे, सेम लोअर लैश लाइन पे भी। बहुत ज़्यादा नहीं उसे फैलाना है, हल्का हल्का लगाएंगे। यहाँ मैं हल्का सा एक ब्रॉन्जी कॉपरिश शेड ले रही हूँ, शिमरी शेड है बाय द वे, उसे सेंटर आईलिड पे हल्का हल्का सा प्लेस कर रही हूँ। एंड आई लाइनर, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एल कॉस्मेटिक्स का आई लाइनर, बहुत ही पतला सा लाइनर, नो विंग नथिंग, बट लाइनर तो जरूर लगा है इस लुक में, क्योंकि मेरे को साइड वाली स्माइल से देख के लगा था। सही है, बहुत कितना सही लाइनर और इतनी जल्दी ड्रॉ हो गया, वेरी नाइस। वॉटर लाइन में काजल लगा हुआ है, पर काजल जो है वो बिल्कुल भी ब्लेंडेड या स्मज नहीं है, तो सेम हम वही करेंगे। ब्राउन हमने लैश लाइन के क्लोज लगा लिया था, अब सिर्फ और सिर्फ काजल लगाएंगे। बहुत ही सिंपल आई मेकअप था, फॉल्सीज के साथ इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोई भी फॉल्स लैशेज नहीं है, कोई ड्रामेटिक लैशेज नहीं है, बहुत ही नेचुरल लुक है। सो यूजिंग दिस फॉल्सीज लैश लिफ्ट वाटरप्रूफ मस्कारा, मेकअप करने के लिए मुझे एक दो घंटे तीन घंटे जितने लगते हैं, उतारने में मेरे को ऐसे कैसे हो जाते हैं यार, सब कुछ निकालना भी पड़ता है और इंस्टेंट ही निकालना होता है, क्योंकि मेकअप करके मैं घर में नहीं बैठ सकती, हमेशा पागल हो जाती है, मम्मा ये मम्मा वो, इसलिए मुझे इसको तुरंत ही निकालना पड़ता है। और काफी प्यारा लग रहा है ये मस्कारे के साथ लोग, मैं मायशा का नाम लिया ना, मुझे ऐसा लगा जैसे कि गेट पे आने वाली मम्मा गेट खोलो। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है मेरी मेकअप, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है उसको ये चीज़ें, स्पेशली लिपस्टिक, क्योंकि बाकी चीज़ें उसे लगानी नहीं आती। लेट्स डू ब्राउज, तो यहाँ पे हम अनस्टाजिया का ब्राउ में यूज कर रहे हैं। आलिया भट्ट के आईब्रोज हमेशा मैं बताइए काफी ब्रॉड और थिक लगती है, मेरी बहुत ही पतली है तो मैं नेचुरल शेप को ही हमेशा फॉलो करती हूँ, ज्यादा थिक करने के चक्कर में आईब्रोज की जो शेप है वो बिगड़ जाती है, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कम करती हूँ। तो यस, हमने नेचुरल ब्राउज को फिल करेंगे। आप डिफरेंस तो देख ही सकते हो, बहुत ही कम ब्लश है, बहुत ही कम ब्रॉन्जर है, तो हम उसी चीज़ पर पहले फोकस करेंगे। अप्लाइंग दिस ग्लोइश हुडा ब्यूटी का टैन लाइट सॉफ्ट रेडियंस ब्रॉन्जर, बहुत ही हल्के हाथ से यार, नोज को जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Blush time, so I'm so happy, I'm gonna apply this blush right now. This is Dior ka blush, jaisa maine bataya tha, thoda sa pink and uske sath thoda sa hum aise bronze tone bhi denge, but I mean ye blush kar ye wala brush use karungi, ye bahut hi sahi hai। agar aapko koi bhi authentic Dior, Chanel aur bhi koi bhi brands chahiye, luxe brand, go and check out the page Touchwood Cosmo। ब्लश को हल्का सा थोड़ा सा वार्म और ब्रॉन्ज टोन दिखाने के लिए मैं ये वार्म कलर यूज करी, जो कि है जिंजरली शीयर टोन ब्लश फ्रॉम मैक। अब हाईलाइटर की अगर मैं बात करूँ तो फेस पे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हाईलाइटर है, बट कभी कभी लग रहा है बिल्कुल भी नहीं है,
मुझे लगता है मैट सॉफ्ट एंड जेंटल इज परफेक्ट फॉर दैट, क्योंकि इसमें ना ऐसे बहुत ही सॉफ्ट पार्टिकल्स हैं, लगता ही नहीं कि आपने हाइलाइटर्स लगाया, विद इन काइंड ऑफ अ ग्लो देता है। सो मैं पूरे फेस पे हल्का हल्का से डस्ट करूंगी। मुझे डुई लुक चाहिए, तो बाय द वे अनस्ताजिया का है। यस, मैंने बहुत सारे लक्स ब्रांड इस वीडियो में यूज किया, तो मैं कभी सोचती हूँ मैं कब करूँ, अगर मैं सब अफोर्डेबल करूंगी तो मैं कब अपने लक्स ब्रांड को यूज करूँ। तो मैंने सोचा कि ये बहुत सुंदर सा लक्स एकदम प्रीमियम लुक पे क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करके करूँ। चलो अब इसे ड्राई करते हैं। अरे लुक एट दिस मैन, मुझे बाल को भी करना है, आई हैव दिस कर्ली कर्ली छोटे छोटे बाल जो मुझे सेट करने पड़ते हैं। न्यूड पिंकी लिप्स हैं, कभी कभी ये मुझे मैट लग रहे हैं, कभी कभी ग्लॉसी से लग रहे हैं। लेट्स डू, बिल्कुल मैट भी नहीं, बहुत ही ग्लॉसी भी नहीं, इन बिटवीन टाइप का लुक हम करेंगे। सबसे पहले एले गर्ल का ये अल्टीमेट इंटेंस स्टे ऑटो लिप लाइनर इन द शेड नॉन स्टॉप न्यूड। जी हाँ, मैं न्यूड से ही आउटलाइन कर रही हूँ और ये बहुत ही परफेक्ट पिंक न्यूड है। आई थिंक ये मीडियम है या फिर ओरिजिनल पिलो टॉप का है शेड। इसमें दो से तीन शेड्स आते हैं, डीप, मीडियम। तो दिस मिनी साइज लिपस्टिक, आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसे ऑनलाइन या स्टोर पे साइज अवेलेबल होगा, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मिली थी जब मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, आई थिंक 7,000-8,000 रुपीज़ की नायका से। सो ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं। नायका हॉट पिंक सेल अभी अभी गया और अभी कोई और सेल चल रही होगी तो उस पर आप ये चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला नेकलेस हम पहन रहे हैं जेम स्वरूप की तरफ से, जो कि कुंदन नेकलेस है। और दूसरा नेकलेस है, ये भी बहुत सुंदर कुंदन नेकलेस है, एंड इट्स फ्रॉम हैदराबादी सिगर। मैं बस इतना ही से मेरा जुगाड़ कर सकती थी। बस बालों के लिए क्या करूँ, ड्राई शैम्पू, ये डव का ड्राई शैम्पू है। कलर बहुत अलग हो गया इस टाइम पे, बट आई हैव टू यूज दिस ओनली। मेरे बाल का पहले कलर ये था, कलर ही हट गया है, मुझे कलर कराना भी नहीं है, तो मैं एक्सटेंशन से बालों को हेयर स्टाइल करूँ। Alright, so this is my final finished look. Guys, dupatta bilkul nahi tik raha hai, don't know why. Par mujhe ise set karna pad raha hai. Mushkil hai, but theek hai. This is the final finished look. What do you guys think about this look? Kitna acha turned out hua hai, mujhe batayega ye recreation of Alia Bhatt. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज किए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट में पिन कर दूंगी, इनके लिंक्स चेक कर लेना। डिटेल्स आउटफिट एक्चुअली हमने लास्ट पर मेरे की एक शॉप से लिया था अंदाज, तो इसका लिंक हम नहीं दे सकते, ऑफलाइन लिया हुआ है। ऑलराइट, सो या अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू, बाय बाय।